पहले आपको यहां से एक मारिक लगाना है, इसके बाद में आपको लंबाई का लगाना है। लंबाई इसका है 22 इंची, तो यहां से 22 इंची के ऊपर और 2 इंची मार्जिन हो गया। और 22 इंची इसका लंबाई है जैकेट का, जैकेट का लंबाई 22 इंची के ऊपर हो गया। अब इसका 27 इंची चेस्ट यानी छाती है, तो 27 इंची के ऊपर में इसका आर्मोल कटिंग जो है ना 6.5 इंची के ऊपर कटिंग करना है, 26 का हिसाब से, ठीक है। 6.5 इंची का हिसाब से आपको कटिंग करना है, और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंच ऊपर और 6.5 का 3.25 इंची और कमर का सेंटर 13 इंची के ऊपर। तो ज़्यादा करके लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे बच्चे का चेस्ट जो होता है, चेस्ट के हिसाब से मुंडा कटिंग करने का, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को भी आपने देखना है कि इसका जो है ना मैं कितना पे काट रहा हूँ, उस हिसाब से आपको भी कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से 6.5 हो गया और 5 और ये 3.25 और ये सेंटर का हो गया बाजू का, ये 5-6 साल का बच्चे का कोट है। आप 4 साल का भी, जैसे बड़ा 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल का। उसके बाद में यहां से आपने 1/2 इंची और उसके बाद में इसे 1/2 इंच हो गया। अब उसके बाद में पहले आपको इसका गाला है 13 इंची, तो 2.25 इंची के ऊपर मारिक लगाना है, ठीक है। और शोल्डर है 13 इंची, तो 6.5 इंची हो गया प्लस 1/2 इंची ज़्यादा देना है। और यहाँ से ये 1/4 इंची और यहाँ से 1.5 इंची, यानी ये मारिक जो लगाया मारिक से 1/4 इंची नीचे है और ये मारिक से 1/4 इंची ऊपर है, ठीक है। टोटल यानी 1.5 इंची इसका डाउन हो गया। उसके बाद में यहाँ से आपने जैसे इसका सेंटर नापे हुए हैं, अगर आपको कोट का नाप करने का तरीका मालूम नहीं है कि कोट का नाप कैसे ले करते हैं, तो आप मेरे चैनल में जा करके कोट नाप कैसे लेते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मैं बैक विथ नापा हूँ, तो बैक विथ इसका 12 इंची है, ठीक है। तो मैं 12.5 यानी 6.5 इंची के ऊपर मैं रख करके ही कटिंग करूँगा। ये हो गया। अब यहां से आपने अब ये जो मारिक है, मारिक को हमने सेम टू सेम इसमें ना साइड चाक है ना बैक चाक है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यहाँ से हल्का राउंड कर लेंगे। ऐसा कटिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा साइज होता है और ये छोटा साइज होता है। छोटे साइज का क्या होता है कि इसका हिसाब नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे लोग कटिंग भी नहीं करते हैं छोटे बच्चे का। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट और थ्योरी दिखा रहा हूँ, तो आप पूरा कटिंग देखेंगे फिर आपको पूरा मालूम होगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। इस तरीके से इसमें चाक नहीं है, ना साइड चाक है ना बैक चाक है, इसलिए मारी के ऊपर ही कटिंग कर दिया हूं। और इधर से 1 इंच जितना रख करके
और कटिंग कर दे, मार्जिन ज्यादा ना रखे। तो ये मेरा बैक कटिंग होकर के तैयार हो गया। अब इसका मैं सामना कटिंग करके दिखा रहा हूं, तो सेम इसी तरह आपको तो पहले आपने यहां से 1 इंची का निशान लगाना है। दोस्तों आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा, ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाऊं और आप सब मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल को सपोर्ट करें और मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हो गया। अब इसके बाद में पहले आपको मैं मेजरमेंट इसका बता दे रहा हूँ। इसका जैसे छाती हो गया 27 इंची, और इसका 24 इंची, कमर हो गया, हिप 28 इंची हो गया, और लंबाई 22 इंची हो गया, 13 इंची शोल्डर हो गया, और बाजू 20 इंची हो गया, और 13 इंची गला हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरा मालूम होगा, आपको हिसाब देखने में सजीला होगा, इसलिए मैं यह नाप को लिख दिया हूँ। या आपको नाप सामने स्क्रीन पर दिखेंगे तो आपको हिसाब करने में और साइज देखने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपने आपने कटिंग करना है तो अपना कपड़ा देख लेना है, मेरा कपड़ा ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। ये नहीं से ऊपर इतना ज़्यादा हटा दे आपको कपड़ा का, यहाँ से जैसे कपड़ा कम है तो आप यहाँ से मार्क लगाएंगे, लेकिन मेरे पास है तो इसलिए मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ इतने ऊपर। ये हो गया। अब यहाँ से आपको 22 इंची है लंबाई, तो 1 इंची ज्यादा करके 23 इंची के ऊपर रखना है, और यहाँ से भी 23 इंची के ऊपर प्लस 2 इंची मार्जिन दे देंगे। अब आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये मार्क को उठाने का तरीका नहीं समझ में आता है, तो आपने पहले यहां से 6.5 इंची निशान जैसे बैक में लगाए हुए थे, सेम टू सेम इसी तरह 6.5 इंची और 5 इंची और ये 13 इंची सेंटर का मार्क लगाए थे। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह मार्क लगा लेना है। आप एक दो बार पूरा वीडियो वॉच करके देखेंगे तो आपको पूरा मालूमात हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें। जितने भी लेडीज जेंट्स है सबसे रिक्वेस्ट है आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। इसके बाद में 2 बटन का है, तो ये 23 इंची है, तो ये 6 × 24 इंची हुआ, यानी 5.25 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे बटन का। और उसके बाद में नहीं 7 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे, ठीक है, बटन का तीसरा भाग करके 7 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से 3.5 इंची का मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 1.25 इंची गुलाई का मार्क लगाएंगे। बटन का फासला जो है 3 इंची, 3.5 इंची रखते हैं, और ये राउंड जो है 1.25 इंची करके और हल्का राउंड देते हैं।
और ये कभी भी बटन लगाते हैं या बटन का मारिक लगाते हैं या पॉकेट का मारिक लगाते हैं, ये तीन भाग करके लगाते हैं, ठीक है। तब ये बटन मैं रखा हूँ 7 इंची के ऊपर, तब पॉकेट का मुंह 7 इंची के ऊपर ही रखूंगा मैं। और इसका गला जो है, गला मैं 2.25 इंची निकाला था, तो 2.25 इंची के हिसाब से, 2.25 इंची के हिसाब से मुझे गाला जो है इसमें प्लस करके 1.25 इंची प्लस करके निकालना है। और इस तरीके से और यहां से आपने 1.5 इंची का मारिक लगाना है और यहां से 2.5 इंची का, और इस तरह क्रॉस कर देंगे और यहां से राउंड कर देंगे। और नेपेल जो है, नेपेल इसका 1.75 रखेंगे, ठीक है, यानी 1.25 इंची रखेंगे। अब इसका शोल्डर नाप करके सेम टू सेम शोल्डर इसका रख देंगे। आपने यहां से यहां तक शोल्डर नापना है, तो ये 5 इंची है, तो 5 इंची यहां से रखना है। अब इसमें आपने वॉलेट पॉकेट का निशान सामने, ये जो कुश्ती का मारिक लगा है उसे 1 इंची छोड़ करके और 2.75 इंची के ऊपर मारिक लगाना है, और इसका सेंटर लेकर के तरीके से मारिक लगाना है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। और इसका पॉकेट का मुंह जो है 6 इंची रखेंगे। ये जो कुश्ती का मारिक लगा है यहाँ से 1.25 इंची प्लस, ये जो पॉकेट जो है ये पॉकेट 6 इंची के ऊपर निशान लगाए, तो ये मेरा तैयार जो आएगा 4.5 इंची 4.5 इंची पॉकेट का ये मेरा तैयार आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मार्जिन है ये मार्जिन में भी कट जाएगा, इस तरीके से ये कट जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रखा हूँ। तो आप अगर फिक्स कटिंग कर रहे हैं, इधर से मारिक नहीं निकालना है, तो आप मारिक कम लगाए से आपका पॉकेट तैयार कम होगा, ठीक है। लेकिन मारिक इस तरह लगाते हैं तो आप 6 इंची के ऊपर मारिक लगाएं, ताकि आपका ये पॉकेट का निशान जो ये कट करके उसके बाद में आपका 4.5 5 इंची बाजू ये जो है पॉकेट तैयार आ जाए। और इस तरीके से मारिक लगा देना है, ये हो गया। अब इसको आप राउंड कर दें और उसके बाद में जैसे आपके पास ऐसा स्केल है तो सेम टू सेम इस तरीके से मारिक लगा ले, हो गया। उसके बाद में इस तरीके से और यहां से जैसे बैक में 1.5 इंची डाउन किए हैं, तो इसमें आपने 1.25 इंची डाउन करना है। अब ये मेरा मारिक कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब इसमें आपको लूजिंग देना है, अब इसमें लूजिंग देना है, तो मुझे 5 इंची लूजिंग देना है, 4 इंची देना है। तो पहले ये जो सेंटर का मारिक है इससे आपको यहाँ से मारिक लगाना है, जिससे 5 इंची 6 इंची 7 इंची लूजिंग होता है। तो यहाँ से आपने
मैं इसमें 5 इंची लूजिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ से 2.5 इंची के ऊपर मार्क लगा लिया, और इसमें 4 इंची है तो 2 इंची का मार्क लगा लिया, ठीक है। अब इसको अपने बैक को नापना है, ये मेरा तैयार आएगा 5.5 और 4.5, तो यहाँ से 5.5, ये जो मारिक लगाए हैं 2.5 इंची का, इसके ऊपर 5.5 इंची रखना है। अब इसका है 27 इंची, तो 13 × 26 एक 27 इंची हुआ, इसमें हमने 1.5 इंची प्लस करके काटना है, और ये 24 है तो 12 × 24 प्लस 1.5 इंची, हीप का नाप 28 इंची है, तो सेम यहाँ से 1/4 इंची ज्यादा करके रख देंगे, और इस तरीके से ये आपका मार्जिन हो जाएगा, सेम टू सेम मार्जिन, आपको ये आपका मार्जिन हो गया, और इसका कमर का सेंटर जो है नाप लेना है, 1/4, और इस तरीके से क्रॉस कर देना है, ये 5 इयर्स 6 इयर्स का ये बच्चे का कोट है, तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, लेकिन कोई बच्चा जो है ना वो मोटा होता है, कोई बच्चा पतला होता है, उसके हिसाब से आपको इधर सिर्फ कम आएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे लूजिंग आ रहा है तो यहाँ पे लूजिंग आएगा, लेकिन सेम टू सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, ना आपका मुंडा ज़्यादा बड़ा आएगा ना छोटा आएगा। इसका 27 इंची छाती है तो मैं 26 के हिसाब से कटिंग किया हूँ, ठीक है। इसका नेपल जो है, इसका नेपल 1/4 इंची रखा हूँ, और इसका कुश्ती जो है, कुश्ती मेरा तैयार आएगा 5.5 इंची, ठीक है। तो ये 5.5 इंची, और ये 2 बटन का हो गया, और साइड में ना साइड में ओपन है ना बैक में ओपन है, तो इसको मैं कटिंग करके बता दे रहा हूँ। तो आप अगर छोटे बच्चे का कटिंग करना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम मेरा कटिंग देखें, और इसका फॉलो करके आप पैटर्न भी काट सकते हैं, और इसको आप फॉलो करके सीख भी सकते हैं। तो ये मैं फुल कटिंग इसलिए करके बताता हूँ कि आपको जिस जगह पे मैं मार्जिन रखता हूँ आपको पूरा मैं दिखा सकूं। ये सामने कभी भी है, सामने की तरफ 1/4 इंची एक लाइन रखना है सिलाई के लिए, और इसमें आपको नहीं रखना है, ठीक है। कोई बड़ा साइज होता है उसमें मार्जिन रखते हैं, और इस तरीके से गुलाई आपको सही तरीके से कटिंग करना है। ये आपको मारिक में लगा दिया, आपको इस मारिक के ऊपर ही कटिंग कर लेना है, मार्जिन कम बेस होने का। ये हो गया, अब इसको भी आपने कटिंग कर लेना है, और इसको भी आपने डांट का मार्क निकाल करके और कमर को शेप कर देना है। ये आपको अब पता लग जाएगा कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है, देखिए।
के नीचे से 2 इंची, और ये जो है इसको भी हमने सेम जिस तरह बड़े में काटते हैं उसी तरह छोटे में 1/4 इंची निकाल देना है। और इस तरीके से आपका बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो गया। अब इसका बाजू कटिंग करना है, तो बाजू कटिंग हम बाजू कटिंग इसका इसमें 1/4 इंची कम करके 4.5 इंची के ऊपर मारिक लगाएंगे, ठीक है। तो बाजू भी मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको मैं छाती कमर का सब नाप दिखा दिया था, तो उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। पहले आपको सामने की तरफ से 2 इंची का 1.5 इंची का पूरा सीधा मार्क लगा लेना है। उसके बाद में 1 इंची का ऊपर निशान लगा देना है। अब ज्यादा करके छोटे बच्चे का क्या होता है दोस्तों कि उसका बाजू कटिंग करने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि इसका बाजू जो है वो कौन सा हिसाब से कटिंग कर रहे, ठीक है। ये तो 26 के हिसाब से हमने कटिंग कर दिया सामना, ठीक है। अब इसका जो है 26 का यानी 6.5 इंची हुआ, ठीक है। तो 6.5 इंची में जैसे हम 40 का कोट काटते हैं तो उसका 3 इंची डाउन करके काटते हैं बाजू जो है, ठीक है, 2.5 इंची और 3 इंची। लेकिन ये छोटा बच्चा है तो इसमें हमने कितना डाउन किया, 6.5 इंची किया। 6.5 इंची में हमने 2 इंची डाउन करके इसके बाद में हमने मारिक लगाना है, ठीक है। ये छोटे बच्चे का है इसलिए, और बड़ा साइज हो तो उसमें 2.5 इंची 2.5 इंची 3 इंची तक हमने उसका डाउन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो बड़े में 2 इंची गिराते हैं तो 2 इंची का नहीं, ये 1.5 इंची का गिराएंगे, ठीक है। जैसे ये मारिक लगाते हैं 2 इंची का, तो इसमें हमने 1.5 इंची का मारिक लगाना है, 1.5 का। वन एंड हाफ का हो गया। उसके बाद में यहां से हमने 4.5 इंची एक लाइन के ऊपर मार्क लगाना है। यह हो गया। अब इसका लंबाई जो है 20 इंची है, तो यहां से 20.5 के ऊपर मार्क लगाना है। दोस्तों किसी का बाजू छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो कोई 19 होगा, कोई 18 होगा, कोई 20 होगा। तो आप अगर नाप रहे तो उसके हिसाब से आपने कम करके मारिक लगा लेना है, इसमें कोई मुश्किल का काम नहीं है। उसके बाद में यहां से क्रॉस कर देंगे जिस तरह बड़े में करते हैं। इस तरीके से, और इधर से 1/2 इंची, उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इसका जो है जैसे 6.5 है तो यहां से 6.5 इंची के ऊपर लगाना है। और उसके बाद में यहां पर तो इसको हमने सीधा मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची जितना क्रॉस करेंगे। ये मैंने 6.5 इंची के ऊपर मार्क लगाया हूं, जैसे 6.5 इंची के ऊपर मैं इसका छाती का कटिंग किया हूं मुंडे का, तो इसलिए मैं 6.5 इंची मार्क लगाया हूं। और यहां से 5 इंची का इस तरीके से,
यहाँ से आपने बटन लगा देना है। पांच बटन करें या खाली बटन लगाए, और इसमें 3.5 इंची लूजिंग दे देना है, मार्जिन जो है। और उसके बाद में यहाँ से आपने पौना इंची प्लस 1.5 इंची, और यहाँ से 1 इंची और 1 इंची करके मारीक लगा देना है। इस तरह हो गया। आप अगर स्केल है आपके पास तो इस तरह के से भी मारीक लगा सकते हैं, और इसे भी। तो आपको ऐसा कटिंग यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, इतना छोटे बच्चे का, 5 से 6 साल का बच्चे का, इसमें बहुत मुश्किल होता है। तो आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और ऐसे जितने भी पुराने दोस्त हैं, जैसे मेरा पहला चैनल का नाम था स्मार्ट फैशन सूट, तो बंद हो गया, तो आप ये स्मार्ट फैशन स्टिच को सपोर्ट करें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया, अभी मेरा बाजू हो गया। इसमें नाम आपको ना ज्यादा बड़ा होगा ना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। अब इसको भी हमने कटिंग कर लेना है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है छोटे बच्चे का कटिंग करना, तो इसको आराम आराम से कटिंग करें। और इसका गुलाई जो है, गुलाई खूबसूरती से दे, ताकि ये बाजू लगाने के टाइम में आसानी से चढ़ जाए। आप देखिए ये मेरा राउंड जो है ना, ये राउंड पूरा एकदम आराम से आप बाजू लगाएंगे तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देख रहे हैं ना, ये बाजू जब लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से, तो आपको बाजू आगे पीछे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा ये फिक्स ही आपको चढ़ाने में आसानी होगा। और इसमें आपका नम ज्यादा होगा नम कम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फॉलो करके आप कटिंग सीख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़े, और मेरा जितने भी पार्ट पार्ट करके मेरा कटिंग है मेरे चैनल के ऊपर, और बंडी सफारी शेरवानी, आपको पूरा कटिंग मिल जाएगा बहुत ही आसान आसान तरीके से और फॉर्मूला के साथ में। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़े और मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल को लाइक कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो मैं 6, 7, 5 साल का बच्चे का ये कोट है, तो आप इसको सेम टू सेम नमूना यानी पैटर्न काट करके आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप बाजू चढ़ाएंगे तो खुद ब खुद, तो इसको आप इसका दूसरा पार्ट जो है ये मारीक उठा करके और कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए अगर आपको सेम बाजू काटना है तो मैं बड़ा का भी कटिंग किया हूँ, तो उसको भी आप फॉलो करके काट सकते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सब मेरे से जुड़ जाए और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके बाय।